धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में जिस विषय को आकर्षित करना चाहती हूँ, हमारा देश बहुत गौरवशाली हमारी संस्कृति रही है और इस गौरवशाली संस्कृति को हमने सहेज कर बहुत लंबे समय तक रखा, लेकिन समय के साथ हम उसे धीरे धीरे भूल गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 177 देशों के समक्ष योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में बदलने की मांग की और संयुक्त राष्ट्र संघ में 90 दिनों में इसे मंजूरी मिली, जो किसी भारत के लिए मुझे मेरा ख्याल है सबसे कम समय में इस विषय को मंजूरी मिली है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि योग जीवन का एक अनिवार्य अंग है, ये हमारे भारत की संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति को जब हमने अपनाया तो इस संघर्षपूर्ण जीवन में, अभी का जीवन सभी के लिए आम दिनचर्या के हिसाब से भी बहुत संघर्षपूर्ण है, हमने योग को धीरे धीरे भुला दिया। मैं आपके माध्यम से महोदय इस मांग को करना चाहती हूँ सरकार से कि योग को अनिवार्य शिक्षा में शामिल किया जाए। अगर बच्चों को कम उम्र से ही योग की शिक्षा मिलेगी तो आने वाले समय में वो इस संघर्षपूर्ण जीवन का सामना बेहतरी से कर पाएंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व विकास में उनका विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। फॉर मोर लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू रियल मीडिया न्यूज एंटरटेनमेंट एक्सक्लूसिव। थैंक यू।